हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा नंबर सिस्टम। इसे पढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लियर करना चाहता हूँ और बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप अगर क्लियर कर लोगे तो आपको चैप्टर में बहुत आसानी होगी आगे। तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल मैं बताने वाला हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक रहते हैं नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो तुम। और इन्हें हम डिनोट करते हैं एन से। तो हम लिख जाते हैं कैपिटल एन से इसे डिनोट करेंगे। कहीं भी कैपिटल एन लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इसे और अच्छे समझाने के लिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं, उस पर समझाता हूँ। अभी हमारे नंबर लाइन है, इसमें हम नेचुरल नंबर्स भी नोट करते हैं। वन से लेके जितने भी इन्फिनिटी तक नंबर है ना, वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस साइड जितने भी इन्फिनिटी तक जो नंबर है सारे नेचुरल हैं। ठीक है, सिंपल सा नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, अब एक आ जाता है हमारा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर भी बिल्कुल नेचुरल नंबर जैसा ही है, उसमें जीरो को इंक्लूड कर देते हैं। तो एक याद करने का तरीका बताता हूँ। होल नंबर में ओ आता है, ओ से तुम जीरो को याद रख सकते हो। एक बार लिख लेते हैं होल नंबर भी। जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे होल नंबर। अब ये देखिए, ये जीरो है हमारा, यहां से लेके इंफिनिटी तक जो भी हमारे होल नंबर है। एग्जाम्पल देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है नेचुरल नंबर और होल नंबर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W। भी पूछा जाए ना होल नंबर क्या होते हैं, होल मतलब होता है सारा। तो जो भी हमारे जो नंबर है हमारे जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, हम जीरो भी यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4 सब यूज करते हैं नॉर्मली। तो जीरो से लेकर इन्फिनिट तक होता है हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं हमारे वन से स्टार्ट। सबसे सिंपल है। अब इंटीजर्स की बात करते हैं। पॉजिटिव और जीरो इंक्लूडिंग जीरो, वो सारे इंटीजर्स होते हैं हमारे पूरी नंबर लाइन पर। माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक ना जितने भी नंबर है सारे इंटीजर है, चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे जीरो हो, चाहे वन हो, चाहे कुछ भी हो, उन इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। माइनस इंफिनिटी इंटीजर्स हो गए। अब जो नेगेटिव वाले नंबर है, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो साइड जा रहे हैं नंबर लाइन के
इन्हें नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, इन्हें पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। जीरो भी एक इंटीजर है, तो ठीक है। तो इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। एग्जाम्पल तुम्हें पता ही है, देखो इनमें से कोई सा भी नंबर लिख सकते हो। -3 लिख दिया, -120 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 100 लिख दिया, सारे इंटीजर है। बस इतना फर्क है, नेगेटिव वाले नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये तीन डेफिनेशन हो गए। अगर हम और पढ़ने वाले हैं, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो तो ये तो दोनों नंबर लिखे हुए हैं, रेशनल और इरेशनल। इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, और क्यू जो है हमारा जीरो के इक्वल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशियो से हम क्या मतलब, रेशनल से क्या आ रहा है हमारे माइंड में, रेशियो, ठीक है। तो रेशियो से हम ये माइंड में आ रहा है हमारे फ्रैक्शन में, कोई डिजिट हमारे फ्रैक्शन में है वो माइंड में आते हैं रेशियो से, ठीक है। तो रेशनल से ये देख लेना कि कुछ फ्रैक्शन में से रिलेटेड है, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर को लिखा जाए और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ये हमारे 3/4, 2/1, कुछ भी हो सकता है। अगर हम लिख देंगे ना 6, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, यानी इसके नीचे वाला है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर की बात आती है। द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जस्ट इसका अपोजिट है। जो नंबर रेशनली होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके। बाकी कंडीशन बिल्कुल सेम है, क्यू इज नॉट एबल टू जीरो होना चाहिए और ये पी अपॉन क्यू इंटीजर होने चाहिए दोनों, ठीक है। तो इरेशनल नंबर ये होते हैं हमारे, जैसे एग्जाम्पल में पता चल जाएगा, √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है। ये जो भी तुम और दो चार रूट थे, ये हमारे इरेशनल नंबर हुए, ठीक है। और जो अब हमने जितने भी नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सबको मिला के बनता है हमारा रियल नंबर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर्स। चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, कोई सा भी नंबर हो, वो हमारा रियल नंबर होता है। जो मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई है बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये तुम्हारी एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करने वाली है। और इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।